राम राम सा मैं अंगिता चौधरी मारवाड़ रसोई में आपरो बहुत बहुत स्वागत है। आज इन वीडियो में मैं थोने करेलों रो साग बनाने तरीको बताऊंगा। कई लोगों की शिकायत हुई है कि करेलों साग है जो को खारो बन जाया करे, तो आज तो वीडियो देख करेलों साग जरूर बने। जो इन तरीके थो सब्जी बनाओ तो सब्जी बिल्कुल ही खारी नहीं बनेला। तो हाल आप करेलों साग बनावनो हरू करो। करेलों साग बनाने वास्ते आधो किलो करेले ले लिया। करेलों ने हकरा छोल लिया। छोल पर इन्हें लूण एन हल्दी लगा पर इन्हें मैं छोड़ दिया। एक घंटे वास्ते यूज रख दिया। इनू कहीं हुए करेलों हलो हलो खरास है वो निकल जाया करे। तो एक घंटे बाद मैं करेलों ने हमें सब्जी बनाने तैयार कर लूँ। इन वास्ते मैं करेलों ने मैं हमें बोट लूँ। देखो इन तरीकों में हगड़ा करेला बोट तैयार कर लूँ। करेला हगड़ा बोटीज गए इन आप तीन चार पानी हकरा धोई लिया। इन वो नमक एन इन खरास हुई जो हलो हलो निकल जा जू। इन तरीके आप करेला बनावा जिन्हें खाने मना बढ़िया बढ़िया करे एन खारा नहीं होया करे। हकरे पानी इन्हें तीन चार पानी बदल बदल ने धोना है मसल मसलन। अट मैं एक बगुलो ले लियो एनी इन मैंने दो एक गिलास पानी ले लियो। पानी मैं आप करेला गालन उबाल लेवा। हला नहीं उबालना है थोड़ा उबाल लेना। इनू कहीं हुई इनू बड़े जो हलो हलो खरास हुई भाई उबलने वो हैंग निकल जाई। एनी इन मैंने आधो चमचो लूण नाख देवा। ढक पर आन करेलो ने है जगह उबल दो। तो देखो पाँच हाथ मिनट में इन उबाल लिया। करेला है जगह उबलन तैयार उगा है थोड़ा कौड़ा उगा। गैस बंद कर देवा। करेला ने एक ठाउर में इन काट लेवा। हमें आप गैस में एक कढ़ाई मेल दा। इन कढ़ाई में इन्हें दो ढाई एक चमचा तेल गाल देवा। गैस चालू कर ला। तेल हकरो गरम हो देवा। तेल हकरो गरम हो जा जिन जीरो बिराली यानी इंगरो तड़को लगा देवा। आधो चमची जीरो लियो एन आधी चमची सौंफ ली। हमें आप इन महीने करेला गाल देवा। करेला ने थोड़ा तेल मैं हिंजो लेवा। दो तीन मिनट वास्ते करेला हकरा तली जा जना पो लाली चीजें ले लाओ। करेला तली जा जी तट बता दूँ मैं। दो मैं मोटे साइज का कौंदा ले लिया। आठ दस लहसुन की कुड़ियाँ दो नींबू एक टमाटर दो तीन हरी मिर्चा ले ली। कौंदा थोड़ा आगे इन मैंने हला ले होना। तो लहसुन है जो को आप कूट ले। देखो करेला है जगह हकरा तलीज गया है। तो हम आप इन मैंने बोटी ओट की मिर्चा नेक दे कौंदा नेक दे नो कूटियो जगो लहसुन ही नेक देवा। एने ही थोड़ा हिंजन देवा। सब आप अपने अलग अलग तरीके हूँ करेला बनाया करे। सब री अलग अलग बनाने री विधि हुआ करे। लेकिन थो एक बार इन तरीके हूँ करेला जरूर बनाई जो अना बढ़िया बने एकदम हो रहा है बनावना। आधा एक चमची में हल्दी पाउडर एक चमचियो पीसी ओड़ का दाना एक चमची इन मैंने एक दें लूण। एक डेढ़ एक चमची इन मैंने एक दें पीसी ओड़ की रात की मिर्चा। अगली चीजों ने मिला लिया। करेला और मैंने हलो पानी नहीं गा लिया करे एने तेल में झिंझोया करे।
मैं इनमें इन थोड़ा पानी गाल लूँ। हाँ नौ एक पानी गाल दूँ इनू कहीं हुई मसाला है जिका एकदम बढ़िया हिग जा जूँ काचा नहीं रहे। हजू आप सीधा मसाला तेल रमाइन कर लो जिन पे बल जाया करे इन वास्ते थोड़ा पानी गाल लूँ जरूरी वे। मसाला है जिका हगड़ा करेला और मैंने रल गया है हमें अट देख सको मैं इतो पानी गाल लूँ इतो इच पानी गाल लूँ करेला में हेलो नहीं गाल लूँ है। करेला हिंजे जितने नींबू रस काट ले अट में दो नींबू ने कोई मायने थार का नींबू छोटा वे या नींबू मायने रस कम हुए तो दो जगह तीन भी ले सको चार भी ले सको। नींबू जी तो हलो गाल लो सब्जी इतनी बढ़िया बनी। नींबू ही अलग अलग तरीके रहे कोई में हलो रस हुए कोई में कम हुए तो हलो रस वाला नींबू है जन दो ही गणा नहीं तीन नेक दीजो। हम इन मायने एक दम एक बोटी और को टमाटर वैसे तो टमाटर इन मायने जरूरी नहीं हुआ करे पर मैंने टमाटर इन सब्जी में बढ़िया लगे इन वास्ते मैं इन मायने एक टमाटर ने एक दियो इन हाथे यो नींबू रो रस काट दियो जो कोई गाल दे वहाँ। इन टाइप सब्जी बना जी मैं जिन सब्जी ना आप ही बढ़िया लागिया करे अट मैं नौ वेग शक्कर ने कूँ हली नहीं नेगनी हाउ नौ वेग आधो चमचियो इनू सब्जी रो टेस्ट और ही बढ़िया हो जाया करे। करेला और सब्जी अपन शरीर वास्ते ना बढ़िया रिया करे हफ्ते में एक दो बार अपने करेला और सब्जी जरूर खानी चाहिए। अट थोड़ा अगलीला धोना है ए बोट ने एक दूँ तो आपने करेला और सब्जी बनन तैयार है कितनी बढ़िया बनी है बनावनी हाव हो रही है इन खाने मना आप ही बढ़िया लागिया करे आ सूखी सब्जी बनिया करे। तो गैस बंद कर दे वहाँ इन कड़े लिए नीचे मेल ले वहाँ सब्जी ने एक ठाउर माइन पूर ला तो देखो कितनी बढ़िया अपन करेला और सब्जी बनन तैयार हुई है तो जरूर बनाई जो मैंने कमेंट करन बताई जो कि थोड़े वीडियो कैडो लागो वीडियो हकरो लागे तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजो। तो बड़े मिलन ला एक नए वीडियो हाथे जड़ता ही राम राम सा।